अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज जो हमारी वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं फेसबुक कस्टम ऑडियंस विद वीडियो व्यूज़। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा पेज जो है फेसबुक, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दें, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें यूट्यूब का, और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें, और मेरा इंस्टाग्राम ज़रूर फॉलो करें और वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो आए चलें हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो जी, हम इस वक्त अपनी स्क्रीन पर हैं। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वीडियो व्यूज़ के थ्रू हम कस्टम ऑडियंस कैसे जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले हमने अपने ये हमारे पास ये बर्गर आइकन है, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑडियंस का हमारे पास ऑप्शन है, ये आइकन है, इस पर हम क्लिक करके जा सकते हैं। अगर आपको ये नहीं मिल रहा तो आपने ये एक्सपेंड मेन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर पूरा जो है प्रॉपर टैब ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपकी सारी जितनी भी जो आपको इसमें रिक्वायरमेंट्स हैं वो नज़र आ जाएंगी। उसके बाद आपने ये एडवर्टाइज़ में आ जाना है। एडवर्टाइज़ में ऑडियंस के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ऑडियंस के सेक्शन में चले जाएंगे। अभी हम फिलहाल हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है इसलिए हम ऑडियंस के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम आ जाएंगे ऑडियंस के सेक्शन में। ऑडियंस के सेक्शन में हमारे पास यहाँ पर जो है ऑडियंसेस डिफरेंट टाइप्स की अवेलेबल होंगी। इसमें हमने कस्टम ऑडियंस आज जनरेट करनी है। ये जैसे ही ओपन होता है फिर हम इसके ऊपर काम करेंगे। डिफरेंट टाइप की हमने ऑडियंसेस जनरेट करनी है। उसमें हम हमारे पास यहाँ पर जो है इस साइड पे हमारी ऑडियंसेस जो हमने पहले जनरेट की हुई हैं वो यहाँ पर शो हो रही हैं। उसके अलावा हम यहाँ से स्टेटस या टाइप्स और अवेलेबिलिटीज ये फिल्टर्स हैं, हम इसको फिल्टर भी कर सकते हैं। आज जो हमने जनरेट करनी है वो कस्टम ऑडियंस विद वीडियो व्यूज़ है। तो हम कस्टम ऑडियंस के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जैसे हम इस बटन के ऊपर से उसको सिलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू से, तो हमारे पास ये पूरी एक स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी, जिसके ऊपर हमारे पास यहाँ पर जो है यूज़ फेसबुक रिसोर्सेज के अंदर वीडियोस की ऑप्शन है। तो हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं क्योंकि आज हमने वीडियो से अपनी जो है ऑडियंस जनरेट करनी है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले जो है इधर से सिलेक्ट करना है कि हम किस को जो है हम कौन सी किस तरह के व्यूज़ लेना चाह रहे हैं। 3 सेकंड के अगर हमारे व्यूज़ हम चाहते हैं कि हमारी कस्टम ऑडियंस उसकी बेस पे जनरेट हो, तो हम यहाँ से पीपल को व्यूड एटलीस्ट 3 सेकंड्स ऑफ योर वीडियो। अगर आप 10 सेकंड्स वाली कुछ लेना चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं, और ये थ्रू प्ले वाली ऑप्शन है, इसमें 15 सेकंड्स ऑफ योर वीडियो है। अगर आपके कोई 15 सेकंड के व्यूज़ जिसने देखे हैं आप उस जैसी ऑडियंस जनरेट करना चाह रहे हैं तो आप इससे कर सकते हैं। उसके बाद जो रिकमेंडेशन है वो मिनिमम जो मेरी रिकमेंडेशन है वो मिनिमम ये है कि आप पीपल हु हैव वॉच्ड एट 25% ऑफ योर वीडियो, एटलीस्ट आपकी 25% किसी ने वीडियो देखी हो तो आप उसको जो है यहाँ से ले सकते हैं। और आप उसके बाद यहाँ से अपनी वीडियोस चूज़ करेंगे। वीडियोस चूज़ करने के बाद हम यहाँ पर जो है अपना पेज सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं अपना पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं अपना पेज सेलेक्ट करूँगा तो मेरी वीडियोस सामने ओपन हो जाएंगी। यहाँ से हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, लास्ट डेट यूज अपलोडेड डेट के मुताबिक करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपके पास सिलेक्टेड डेट कोई लेनी है तो आप वो भी ले सकते हैं। उसके अलावा आपकी वीडियोस यहाँ पर लिस्ट हो चुकी हैं। यहाँ से आप पेज से आप नेविगेट करके 2nd पेज 3rd पेज पर जा सकते हैं। जो आपने वीडियोज़ अपलोड की होंगी वो यहाँ पर शो हो रही होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ये जो 3, 4, 5 या 6 ये वीडियोज़ हैं ये जिसने देखी हुई है उसको मैं जो है टारगेट करना चाह रहा हूँ। जिन्होंने ये 25% ऑफ मेरी ये वाली वीडियोस देखी हैं मैं उस जैसे बंदे और कस्टमर ढूंढना चाह रहा हूँ फेसबुक के ऊपर। तो मुझे जो है इन वीडियोस के थ्रू इतना 25% ऑफ योर वीडियो इसको मैं आज जो है इसमें ले रहा हूँ। फिर उसके बाद इन द पास्ट आप ये डिपेंड करता है आपके या तो आप 365 डेज से मैक्सिमम आप ले सकते हैं या फिर आपकी कंपेन कोई रन हो रही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कंपेन कोई 30 डेज़ के लिए रन हुई है तो आप यहाँ पे 30 डेज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 365 डेज तक आपकी कंपेन रन होती रही है या आपकी हर टाइम चलती रही है कंपेन तो आप इसको 365 भी ले सकते हैं। लेकिन इसको आप इस तरह करेंगे जैसे आपकी वीडियोस देखी जा रही हैं ये सारी वीडियोस देखने के बाद आप उसका फैसला कर सकते हैं कि आपकी जितनी टाइम वीडियो व्यूज़ आए हैं तो आप उसी टेन्योर से आप इसको सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप इधर आ जाएंगे, अपना ऑडियंस नेम दे देंगे। मैं इधर ऑडियंस नेम दे देता हूँ कि 25% वीडियो व्यूज़। जैसे ही मैं इसको दे दूँगा एडिशनल ये अगर आप डिस्क्रिप्शन भी ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और फिर आप क्रिएट ऑडियंस के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपकी ऑडियंस जो है वो
30 मिनट तक रेडी हो जाएगी ऑलमोस्ट। फिर इसके बाद ये आप नोटिफिकेशन है नेक्स्ट पे, आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगी, क्रिएट एन ऐड यूजिंग एन द ऑडियंस और एक्सपैंड योर ऑडियंस। तो अगर आप कोई लुक लाइक ऑडियंस जनरेट करना चाह रहे हैं इसके बिहाफ पे, तो आप एक्सपैंड योर ऑडियंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने ये उसने ऑलरेडी ग्रैब कर लिया पहले से कि 25% ऑफ वीडियो व्यूज़ हैं, और फिर उसके बाद सेलेक्ट ऑडियंस लोकेशन, फॉर एग्जांपल मैं जो है टारगेट करना चाह रहा हूँ पाकिस्तान को और ऐसी लुक लाइक ऑडियंस ढूंढना चाह रहा हूँ, तो मैं पाकिस्तान जैसे सेलेक्ट करूँगा और फिर 1% ऑफ ऑडियंस मैं लूँगा। 1% ऑडियंस जो है वो ज़्यादा काम करती है, तो हमें चाहिए कि हम 1% ऑफ ऑडियंस यूज़ करें जब भी हम लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट कर रहे हैं। वैसे आप अगर टेस्ट के तौर पर 10% तक जा सकते हैं, अगर आपको ये आइडिया है कि आपकी ऑडियंस कितना काम कर रही है, तो आप जो है उसको अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। तो एस्टिमेटेड रीच जो मेरी है वो 462,000 है, तो यहाँ पे फिर उसके बाद 1% ऑफ 25% वीडियो व्यूज़, ये जो हम कैंपेन जो ऑडियंस जनरेट करने जा रहे हैं, तो हम क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो ये भी ऑडियंस इसके अंदर ऐड हो जाएगी। अब ये दो ऑडियंसिस 30 मिनट तक रेडी हो जाएंगी, और मैं इसको जो है अपने एड्स में कस्टम ऑडियंस में और लुक लाइक ऑडियंस को इकट्ठा यूज़ कर सकता हूँ। इसमें भी ये पॉपुलेटिंग पे है, जैसे ये 30 मिनट तक पॉपुलेट हो जाएगी, पॉपुलेट होने के बाद मैं अपनी ऑडियंस जनरेट करूँगा और अपने एड सेट में यूज़ करूँगा। तो वीडियो व्यूज़ एक बहुत अच्छा तरीका है आपको जो है, अगर आपकी जो वीडियोज़ हैं, आपका वीडियो पेज है और आप जो है टारगेट करना चाह रहे हैं उन जैसे कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को, तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। बहुत ही बेनिफिशियंट आपके लिए है। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। Love is...